लेकिन आगे चलते हैं, सुमित पोद्दार को शामिल करते हैं अपने बातचीत में। मेरे काबिल दोस्त और तिकोना कैपिटल के फाउंडर सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। एक बार के लिए क्या लग रहा है, बल्क ऑफ द मंदी हो चुकी है या कह नहीं सकते अभी डाउनसाइड ओपन है जिस हिसाब से ग्लोबल बातें निकल के आ रही हैं? जी, गुड आफ्टरनून अजय, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गुड आफ्टरनून प्रियंका एंड मानसी भी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग इस शो पे। मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आफ्टर द मंदी जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, जो बहुत अच्छी साइन है एक्चुअली देखा जाए। देखिए, कभी भी कोई भी मार्केट जो होता है, फर्स्ट वो रिएक्ट करता है अननोन अननोन पे। जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और रिसेशन की बातें हो रही थी ग्लोबल लेवल पे, एंड जब जब वो अनफोल्ड हो रहा है तो ये इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। बट विद इन दैट, इंडिया जो आउट परफॉर्म हो रहा है सब देख ही रहे हैं, नो डाउट। एंड स्पेशली जो जो एक्शंस हमारे गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे लिए थे, अब उनका बेनिफिट दिख रहा है। जहां पर उन्होंने पैसे नहीं बांटे थे, टारगेटेड मैनर में सब चीजों को हैंडल किया था, वही डिफरेंस आज दिख रहा है। इंडियन मार्केट जो ऊपर से जस्ट 18% करेक्ट हुआ है कंपेयर टू मेनी अदर मार्केट्स व्हिच हैव करेक्टेड ऑलमोस्ट 30-35%। सो आई टोटली अग्री विथ यू अजय जी के इंडियन मार्केट आर लुकिंग मच बेटर देन मेनी अदर ग्लोबल मार्केट्स। एंड देखिए, फ्रॉम अ एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैक्रो पैरामीटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, अब काफी हद तक लोगों को पता चल चुकी है। इट इज जस्ट दैट के लास्ट में कहां पर जाकर वो चीज बॉटम आउट होती है, उस चीज का इंतजार करना चाहिए। एंड एज वी डिस्कस्ड के भाई, इंडिया इज प्लेस्ड फार बेटर। सब लोग यही देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कब पीक आउट हो और इन्फ्लेशन जो है पीक आउट हो, एंड उससे रिलेटेड कमेंट्रीज जो आना चालू करे। ऑलरेडी लीड इंडिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ क्रूड जो आप बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं, एंड प्लस काफी कुछ कमोडिटीज हैं, ऑलरेडी काफी कुछ करेक्ट हो चुकी है। सिमिलरली जो जो फ्रेट रेट्स है, ग्लोबल शिपिंग फ्रेट रेट्स, वो सब भी काफी टॉप से काफी कुछ करेक्ट हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन का माहौल है, नंबर्स में देखने की देरी है, तो नेक्स्ट एक दो महीने में ये सब जो है बाय एंड ऑफ द ईयर काफी कुछ क्लैरिटी आएगी कि नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा। बट विद इन दैट वी आर डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, वी आर नॉट टू फार फ्रॉम द बॉटम। सुमित, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा। मिड कैप, बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आई डायरेक्टर साहब, जो मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट होता है, मिड कैप स्मॉल कैप भी, इनफैक्ट एसएमई भी, लेकिन एसएमई के बारे में बात नहीं करेंगे, वो रियल इंडिया है। काफी हद तक वो डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड इंडिया है। अब मैं जब मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी से बात करता हूं तो मुझे, जी हाँ, कॉशन है, क्योंकि अभी दो साल पहले बहुत जोर की एक मार झेल के वापस आए। लेकिन जो फीडर इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग दूसरी इंडस्ट्री में सीमेंट को सप्लाई करते हैं बड़े बड़े पार्ट्स, और इस तरह की फीडर इंडस्ट्रीज, वहां से सेंस आ रहा है कि अभी तक तो स्लोडाउन का बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बट शायद आगे चल के कॉशियस। तो ये जो मिड कैप डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए या आपको लगता है कि लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए? देखिए, आई थिंक जिस तरह से मार्केट जो कोविड में बॉटम करके अब जो उछाल लेके वापिस नेक्स्ट करेक्शन पे आया है, अब स्टॉक स्पेसिफिक या बिजनेस स्पेसिफिक ज्यादा जाना चाहिए। इसमें हमें मिड कैप और लार्ज कैप का डिफरेंशिएशन से ज्यादा हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सी कंपनियां जो हैं या कौन से प्रमोटर्स जो है अपने धंधे पे कितना मैन्युएबिलिटी ला रहे हैं। जैसे जस्ट बिकॉज ग्लोबल मंदी है, कोई प्रमोटर बैठ जा रहा है या फिर ये बोल रहा है कि नहीं, मंदी है तो लेट मी, मैं क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ, क्या मैं यूरोप में, अगर गैस की कॉस्ट ऊपर जा रही है तो क्या मैं ऐसी चीजें बना के यूरोप में भेज सकता हूँ जहां पे मैं अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकता हूँ। सो आपने बहुत करेक्टली कहा कि काफी कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो अभी भी डिमांड पे इतना उनके इश्यू नहीं आ रहा है। प्राइमरली उसका कारण ये है कि अगर वो कोविड जैसी महामारी
ऑलरेडी सह चुके हैं तो वो वर्ष देख चुके हैं, और वर्ष देखकर अब वो सीख चुके हैं कि कैसे अनसर्टेनिटी को हैंडल किया जाए। एंड उसमें जो प्रमोटर्स उभर के आ रहे हैं वो नेक्स्ट बुलरन के विनर्स रहेंगे इन आर व्यू। सो देखिए, कंज्यूमरिज्म जैसी जो ट्रेंड है वो आई थिंक विल डू वेरी वेल इन द न्यू बुलरन दैट इज लाइकली टू कम। फॉर्मलाइजेशन जो ट्रेंड है वो भी काफी अच्छा करेगा। प्लस ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो हालांकि वर्ल्ड में काफी कंट्रियां डी ग्लोबलाइज हो रही हैं, इन द सेंस उनको रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है टू एक्सपोर्ट एंड टू माल अपना ग्लोबल ट्रेड में डालने की, बट अनलाइक इन इंडिया ये चीज जो है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्केल जो लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट बुल रन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड काफी कंपनी स्पेसिफिक जाना चाहिए, कितने कुछ सेक्टर्स है बेनिफिट करेंगे। जैसे बैंकिंग जैसे सेक्टर की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, बट एट द सेम टाइम विद इन सेक्टर भी हमें काफी सिलेक्टिव जाना चाहिए। जहाँ पे जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई बैंक डिजिटलाइजेशन में इज डूइंग बेटर देन मेनी अदर लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ एक तरह से। एंड सिमिलरली अगर कंजम्पशन में देखें, क्यूएसआर बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे आर राइडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एज वेल एज वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ रहे। तो जस्ट दीज वर द एग्जाम्पल्स जो जो हमें प्ले करने चाहिए ये नेक्स्ट 1-2 months या 3 months की जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ रही है उनमें हमें ये सब चीजें काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम इन सब कंपनियों के प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा है इन द लास्ट 2-3-5 years, एंड उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होगा और आई थिंक इंडियन कंपनीज जो है वो ग्लोबल स्केल पे काम करेंगी। Absolutely, Sumit. Hi, good afternoon, Mansi this side. You're absolutely right. Consumption theme को play out करना चाहिए. Sector specific moves काफी अच्छे नजर भी आ रहे हैं और consumption theme की जहां बात चली है, mid cap, small cap में भी कई सारे मौके बनते हुए दिख रहे हैं. थोड़ा सा और deep dive अगर करें, अभी हम बात कर भी रहे थे auto ancillary की, इन्हीं के साथ साथ hotel stocks भी हैं जो कि आने वाले दिनों में इट्स डेफिनेट कि पेंट अप डिमांड का फायदा उठाएंगे. क्या लगता है, इट्स टू अर्ली या कह सकते हैं करेक्शन का वेट किया जाए, क्योंकि ये स्टॉक्स काफी चल गए हैं, और अगर हाँ तो फिर आज का दिन या इन दिनों जहां पर इतनी वॉलिटिलिटी है क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी इसे समझा जाए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जरूर है? जी जी मानसी, आपने एकदम परफेक्ट सेक्टर्स पकड़े हैं जहां पर डिमांड मोमेंटम काफी अच्छा है, एंड ये डिमांड मोमेंटम आफ्टर लाइक काफी सालों के बाद आ रहा है। एंड इसमें हुआ क्या है, देखिए जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है, बिजनेस अनसर्टेनिटी आती है, तो कुछ बिजनेसेस जो होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आपने होटल्स की बात की, ड्यूरिंग कोविड काफी होटल्स और काफी काफी मे बी स्टेइंग प्लेसेस जो है आउट ऑफ बिजनेस चले गए, एंड इसी वजह से हमें देख रहे हैं कि पेंट अप डिमांड जो है इन सबको हेल्प कर रही है। सिमिलरली अगर क्यूएसआर स्पेस देखा जाए तो काफी कुछ मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो छोटी हुआ करती थी वहां से दे आर काइंड ऑफ उन्हें अपना मार्केट शेयर गेन हो रहा है। तो सेम ये चीज जो है ग्लोबल लेवल पे होगी, जहां पर अगर ग्लोबल लेवल पे रिसेशनरी ट्रेंड्स दिख रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे आपने ऑटो एंसिलरीज का बात किया, ये सब विल फेस अ बिट ऑफ एन इश्यू। एंड यहाँ की कंपनियां जो हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, दे कैन स्टार्ट गेनिंग, एंड एस्पेशली जो ईवी ओरिएंटेड चीजें आ रही हैं इसमें ये होगा कि ग्लोबल लेवल कंपनियां विल स्टार्ट टाइंग अप विद द इंडियन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो एंस कंपनीज। सो बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, एंड मेरे हिसाब से ये 3 महीने काफी अच्छे रहेंगे इनको एक्यूमुलेट करने के लिए। अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है ऐसा नहीं बोला जा सकता है। एट द सेम टाइम हमें प्रिडिक्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि प्लान करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, एंड इसी से हम नेक्स्ट बुल रन का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। तो नेक्स्ट बुल रन की जब हम तैयारी कर रहे हैं और आप प्रिपेयर की बात कर रहे हैं, तो अब कौन से स्टॉक्स होंगे जो पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, सेक्टर्स कौन से हैं जो आपके रडार पर सबसे ऊपर है? सो जैसे जैसे ऑलरेडी कुछ थीम्स जो है हमने डिस्कस की, इनिशियली फर्स्ट
हमें ये कंज्यूमरिज्म वाली थीम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिमिलरली कंज्यूमरिज्म में स्पेशली जो QSR है या फिर अपैरल ओरिएंटेड या फुटवेयर ओरिएंटेड कंपनियां हैं, इनका इन इन इनको लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ अ डिस्क्लोजर, काफी कुछ क्लाइंट हमारे क्लाइंट्स ही ऑलरेडी होल्ड करते होंगे और हम इनको एडवाइस करते होंगे। हम वी आर सेमी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव QSRs हो गए कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स में। सिमिलरली जैसे ग्लोबलाइजेशन या फॉर्मलाइजेशन वाली थीम की बात की हमने, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो है दैट कैन बेनिफिट अ लॉट, एंड फाइनेंशियलाइजेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज थीम जो प्राइवेट बैंक्स ओरिएंटेड थीम्स हो गई, वेदर इट बी ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड सिमिलरली इंडसइंड बैंक कैन बी, मतलब ये काफी बेनिफिशियरी होंगे ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन बिल्डिंग द नेशन फॉर द नेक्स्ट बुल रन। एब्सोल्युटली, एंड ये सारे थीम्स जो है, हालांकि हम HNIs को एडवाइस कर रहे हैं, ये थीम्स हमारे स्मॉल केसेस पे भी अवेलेबल है जिन थीम्स की मैंने बात की, एंड इसका आपके दर्शक रिटेल लेवल पे भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सुमित पोद्दार, तिकोना कैपिटल के कंज्यूमर